मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा। हम लोग एक बार फिर मिल रहे हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था अधिगम क्या है, यानी सीखना क्या है, व्हाट इज़ द लर्निंग। तो आई होप आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आपको समझ आया होगा। और जिन्होंने नहीं देखा उनके एक बार हम फिर सुन लेते हैं। वास्तव में सीखना क्या है, आपके जो भी अनुभव हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हैं, उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपके बिहेवियर में जो भी चेंज हो रहा है वही क्या है, लर्निंग है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लर्निंग, यानी अधिगम की विशेषताएं क्या है, सीखने की विशेषताएं क्या है। इसमें हम पहले देख रहे हैं लर्निंग इज अ चेंज। अगर हम मैं कहूँ कि हमारे जो पहले के अनुभव हैं और उनके आधार पर हमारे व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो लर्निंग नहीं है। तो सबसे पहली विशेषता हमारी यही कहती है कि वास्तव में अधिगम क्या है, चेंज है। यानी परिवर्तन जब आपके अंदर किसी भी कारक को या नए ज्ञान में आपने नया ज्ञान जो भी सीखा है उसके आधार पर आपको जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वही क्या है, सीखना है। तो अधिगम के आधार पर ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। दूसरा है लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो सीखना है वो जीवन पर्यंत चलता है। मैं आज हूँ यहाँ क्लास में तब भी सीख रही हूँ, मैं घर पर जाऊँगी तब भी सीख रही हूँ, हम ट्रैफिक में हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो सीखना जो है बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हम लोग सीखते रहते हैं, यानी जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो सीखना वास्तव में क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। अगला है लर्निंग इज अ यूनिवर्सल, यानी जो सीखना है वो हर जगह होता है। भगवान ने जो विश्व बनाया, भगवान ने जो भी प्रकृति बनाई हमें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती है। तो आज मैं इंडिया में हूँ, मैं यहाँ सीख रही हूँ, मैं ग्वालियर में हूँ, मैं क्लास में हूँ, यहाँ सीख रही हूँ, आप इंदौर हैं, भोपाल हैं, अमेरिका हैं, कनाडा, कहीं पर भी आप हर जगह कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और सीखना आपने में ही नहीं होता, सीखना जीव जंतु में भी होता है। यानी सीखने वास्तव में क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। हर जगह और प्रकृति ने जिसको भी पैदा किया है, जो भी जीवित है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है और दूसरों को सिखा रहा है। अगला है हमारा लाइफ एडजस्टमेंट, यानी आप जो भी चीज़ सीखते हैं, आपके जो भी अनुभव हैं उसके आधार पर आपने अपने ज्ञान में जो भी कुछ रखा है वो आपको क्या सिखाता है, आपको हर परिस्थिति में समायोजित होना सिखाता है। ठीक है, अगला है लाइफ इज अ ग्रोथ। आज मैं बोलूँ मैंने जो भी सीखा है, हम जो भी सीख रहे हैं उसके आधार पर आपने कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। और सीखना वास्तव में कैसा होता है, उत्तरोत्तर, यानी आगे की ओर जाता है, हमेशा प्लस की ओर जाता है। तो जो भी चीज़ आपने सीखी है, आज आपने कुछ वाक्य सीखे हैं, कुछ शब्द सीखे हैं, कोई नया नियम सीखा है, कोई अंग्रेजी का सेंटेंस सीखा है, तो ये सब आपके अंदर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। तो इसके आधार पर आपका शारीरिक मानसिक आर्थिक विकास होता रहता है। वास्तव में सीखना क्या है, हमारा विकास भी। अगला है लाइफ इज डूइंग समथिंग न्यू। ऐसा नहीं कि जो पहले से आपने सीखा है, मुझे साइकिल चलाना आता है या मुझे गाड़ी चलाना आता है, मैंने वापस वही सीख लिया, तो वो कुछ नया नहीं। आप जब गाड़ी चलाने में कुछ नया कर रहे हैं या उसी प्रकार जैसे आपको एक गाड़ी आती थी और उससे मिलती जुलती आपने कुछ नई गाड़ी जिसमें कुछ अलग गियर डालने की प्रोसेस है, अलग तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, अगर आपने वो कुछ सीखा है तो वो आपका कुछ नया है। तो आप जब भी कुछ नया सीखते हैं वही सीखना है, कुछ भी पुराना सीखना नहीं। अगला है लाइफ इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्सपीरियंस। हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि वास्तव में सीखना क्या है, अनुभव के आधार पर आपके व्यवहार में परिवर्तन है। तो वास्तव में सीखना क्या हुआ, आपके जो भी अनुभव है उन सब के संगठन को ही हम सीखना भी कह सकते हैं, क्योंकि हम आज जो एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनमें हम कल कुछ और जोड़ रहे हैं, परसों कुछ और जोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एकत्रित हो जाता है और ये हमको समय समय पर हेल्प करता है। अगला है लाइफ इज अ पर्पस, यानी आपका सीखने का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, जो भी लक्ष्य आपने सामने रखा होगा उसी के आधार पर आप सीख पाएंगे। यानी आपका उद्देश्य जितना प्रभावी होगा व्यक्ति उसी आधार पर भी सीखेगा। अगला लाइफ इज नॉट इंटेलेक्चुअल, यानी कि सीखना वास्तव में क्या है, विवेकपूर्ण। अगर मैं कहूँ एक बालक का आईक्यू लेवल कम है तो वो शीघ्र सीख जाएगा, ऐसा नहीं। जिस बच्चे का आईक्यू लेवल जितना तीव्र होगा वो बच्चा उतनी ही तीव्र गति से भी सीखेगा। अगला है लाइफ इज एक्टिव, आप जितने सक्रिय रहेंगे उतना ही आप तीव्र गति से सीखेंगे। ठीक है, हम किसी भी कार्य को तब सीख पाते हैं जब हम दिमाग से सारे रूप से उसको करने के लिए तैयार रहते हैं, यानी हम जितने एक्टिव रहेंगे हमारी सीखने की दर उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगला है लाइफ इज अ डिस्कवरी, आप कुछ भी सीखते हैं वो वास्तव में क्या है, खोज है।
हमने कुछ भी नया सीखा। आप आज यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, उसमें आपको कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन देखने को डेली मिल जाता है। तो ऐसे ही सीखना वास्तव में क्या है? खोज करना। अगला, लाइफ इज द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो भी पर्यावरण है, जो भी वातावरण है, हम उसके आधार पर ही सीखते हैं। अगर हमारा अच्छा पर्यावरण रहेगा, अच्छा वातावरण रहेगा, तो हम उसके आधार पर कुछ अच्छा सीखेंगे। तो हम वास्तव में जैसा एनवायरनमेंट है, हम उसी के जैसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो हमारे बच्चों के आसपास शांत अच्छा वातावरण रहेगा तो हमारे बच्चों की सीखने की गति भी वास्तव में कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। अगला, लाइफ इज द इंडिविजुअल एंड सोशल। वास्तव में सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। कुछ चीज़ें होती हैं हम व्यक्तिगत रूप में सीखते हैं और कुछ होती हैं हम पूरे ग्रुप में सीखते हैं। अब एग्जांपल, हम सोलो डांस कैसे सीखते हैं? जब हम इंडिविजुअल होंगे या हम अकेले होंगे तभी सीखेंगे। लेकिन अगर उसी डांस को हम ग्रुप में करना है तो कुछ चीज़ें कैसे सीखेंगे? ग्रुप में सीखेंगे। आप देखिए, आप एक बच्चे को अकेले पढ़ाते हैं उसके सीखने की दर, और जब हम बच्चों को ग्रुप में पढ़ाते हैं उनके सीखने की दर में अंतर होता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रुप में जल्दी सीखते हैं। तो वास्तव में सीखना क्या है? व्यक्तिगत तो और सामाजिक दोनों। आई होप आपको ये विशेषताएं पसंद आई होंगी। थैंक यू।